देवंती देवी जी, आप बताइए क्या मामला है। मामला तो यही है जो कह रहा है लड़का मेरा, हम तो उतना बेच हो गया तो उतना हमको याद भी नहीं है, लेकिन हाँ ये तो हम जानते हैं कि कुलदीप से दोनों भाई एक साथ रहे, कहने के लिए चार भाई थे तो पूछे तो कहने के लिए हम लोग नहीं रखे, हमारे बाबा जो परमेश्वर सिंह थे वो कहने के मारे वही रखे हैं, उनको सेवा सत्कार के लिए 6 बीघा अपना पुत्री को दे दिए और बाकी सामने नहीं रहा। 1951 में परमेश्वर सिंह चार भाई थे, चारों भाई 1951 में बंटवारा किए, जिसमें कुलदीप सिंह के नाम से 6 बीघा खरीदा हुआ संपत्ति था। उन्होंने कहा कि मैं अपना खरीद की गई संपत्ति अपनी पुत्री और नाती को दूंगा, इसको कोई बंटवारा में शामिल नहीं किया जाए, और मेरे पूर्वज मेरे पिताजी और मेरे दादाजी के नाम पर जो संपत्ति थी वो अपने छोटे भाई परमेश्वर सिंह को दे रहा हूँ, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं होगा। और बोले कि मैं कुष्ठ रोगी हूँ, मेरा सेवा सत्कार मेरा भाई करेगा, इसलिए उसको दे रहा हूँ। FIR हुआ उस पर क्या कहेंगे? FIR बिल्कुल गलत हुआ है, उसका कागजात देखा जाए, आज तक कोई कागजात का जांच किया नहीं जाता है, एक तरफा किसी का सुनने से कार्रवाई होती है, जब दो पक्ष हम लोग हैं तो दोनों पक्ष का सुनना चाहिए ना। वो पूर्व का कागज जो भी फर्जी कागज है, 1969 का बंटवारा जो दिखाता है वो 1969 में परमेश्वर सिंह कुलदीप सिंह बटे थे, लेकिन 1969 में जब बटे तब 5/6/1969 का बंटवारा, उसमें 1969 का के वाला खरीद की गई संपत्ति कैसे आ गई? क्या नाम हुआ? मेरा पिंटू सिंह नाम हुआ, मैं देवंती देवी का तीसरा पुत्र हूँ और सारे केस को मैं ही देख रेख कर रहा हूँ। जो अपना